Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 8 trigonometry. Choose the correct option and justify your choice. MCQ hai hamare paas 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. Option diye hue hai sin 60, cos 60, tan 60 aur sin 30. Theek hai, question kya hai hamare paas 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. Theek hai, values put karenge. So twice tan 30 degree कितना होता है 1 upon root 3 upon 1 plus और ये भी 1 upon root 3 का square हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया 2 upon root 3 और यहाँ आ गया 1 plus 1 upon root 3 का square 1 upon 3. Numerator में है हमारा 2 upon root 3 and divided by ये 1 plus 1 upon 3 ये कितना हो जाएगा 1 plus 1 upon 3 मतलब कि 3 plus 1 upon 3 ये हो गया हमारा 4 upon 3. ठीक है, तो यहाँ आ गया 4 upon 3. Then ये आ गया हमारा 2 upon root 3 into 3 upon 4. ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और देखो ये root 3 है नीचे और ऊपर है 3, तो मतलब 3 upon 2 root 3 और इसको हम rationalize करेंगे तो ये root 3 upon root 3 आ गया. तो ये आ गया 3 root 3 upon 2 into 3, 3 से 3 cancel हो गया, root 3 into root 3 3 बन गए. ठीक है, तो हमारे पास value आ गई root 3 upon 2. अब हम देखेंगे कि root 3 upon 2 इन सब में से किसकी value होती है. sin 60 की value होती है, रूट थ्री अपॉन टू क्या होता है साइन 60 डिग्री. तो हमारा आंसर क्या हो गया ए साइन 60 डिग्री. 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन है टेन 90 डिग्री, 1 साइन 45 एंड 0. ठीक है, तो भाई सिंपल है, सॉल्व कर लो. 1 माइनस टेन 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, वैल्यूज याद होनी चाहिए, अगर वैल्यूज याद नहीं है तो प्रॉब्लम है, इसलिए वैल्यूज याद करनी आपका काम है. ठीक है, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, वैल्यूज लर्न आप करोगे. अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0 अपॉन 2 मतलब कि आंसर हो गया हमारा 0. ठीक है, तो डी पार्ट हो गया हमारा आंसर. साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू ऑप्शन है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री. ठीक है, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन है हमेशा ट्रू होता है, पर हमेशा ट्रू नहीं होता, कभी ट्रू, कभी कभी ट्रू होता है. ठीक है, कब ट्रू होता है, चलो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं. तो साइन 2a जब हम 0 डालते हैं तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री आ गया, तो ये हो गया साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0. और इसका ये हमने लिया था LHS. ठीक है, RHS भी लेकर देख लेते हैं तभी पता चलेगा. तो 2 sin a that is equal to twice into sin 0 degree और twice into sin 0 कितना होता है 0, तो ये भी आ गया 0. तो वही सीधी सी बात है, जब a की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ये हमारा ट्रू होगा, किसी और के लिए ट्रू होने वाला नहीं है. चलो एक करके देख लेते हैं, sin 30 है तो 2 into 30 मतलब ये हो गया साइन 60. ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 अपॉन 2. अब 2 साइन है तो मतलब 2 साइन 30, तो ये हो गया ट्वाइस इंटू 1 अपॉन 2. ठीक है, तो ये आ गया 1. देखो ये कभी भी, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ 0 के लिए, बिकॉज 0 की वैल्यू 0 होती है इसलिए ये ट्रू आ रहा है, अदरवाइज ट्रू नहीं होते हैं. 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री. ऑप्शन है हमारे पास cos 60, sin 60, tan 60, none of these. ठीक है, तो देखो सिंपल है, वैल्यूज पुट कर दो. टेन 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए. 2 इंटू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो कितना आ गया ये 2 अपॉन रूट 3 और ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 3, रूट 3 का स्क्वायर 3. ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन रूट 3 और डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 1 अपॉन 3 कितना रह गया 2 अपॉन 3, तो ये हो गया 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको जब रूट 3 को जब हम डिवाइड 3 को डिवाइड करेंगे रूट 3 से तो ये आ जाएगा रूट 3. ठीक है, और रूट 3 किसके वैल्यू होती है 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आंसर हो गया 10 60 डिग्री. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा.
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट।